हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। अभी रात का बज रहा है 11। श्रुति के पापा आ गए काम से, कृष्णा बेटा सो रहा है, श्रुति बेटी फोन देख रही है और मैं आ गई हूँ किचन साफ करने। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और कृष्णा बेटा को लेके मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा सा कुछ करती हूँ तो भय करके रोता है। तो अभी श्रुति के पापा आए, मैं बोली उसको पकड़ो, मैं अभी जा रही हूँ किचन साफ करूँगी। बहुत ज़्यादा ना किचन गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चूहा भी हो गया है हम लोग का किचन में, चूहा। और इतना ज़्यादा धूला हो रहा है, सब बर्तन सब में धूला हो जा रहा है। धूला पूरा बर्तन, इतना सारा तो बर्तन लगता नहीं है हम लोग का, देखो धूला हो गया। तभी मैं पूरा किचन साफ करूँगी, पहले नीचे से साफ कर लेती हूँ, फिर ऊपर में टाइल्स भी पोछूंगी। तो ऐसे में तो मैं लेट करके ही सोती हूँ, रात को 11, 12, 1-1.30 बजे मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं लगता है। एक थाक का बर्तन है तो आस्ते से रखती हूँ। तो 1-1.30 बजे मैं सोती हूँ, जल्दी रहती थी। मैं सोती के बाद बोली तुम बाबू को संभालो, मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ। बहुत देख कर कितना बर्तन में धूला है, देखो कितना धूला है बर्तन में। तो मैं अभी साफ करूँगी किचन, आज का बर्तन अच्छी तरह कर देती हूँ। पापा बाबा को पता है तो मैं किचन साफ कर लूँगी, पहले एक एक करके साफ करूँगी। पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद ये नीचे वाला करेंगे। एक बार मैं साफ करने जाऊँगी तो फिर मैं दिमाग काम नहीं करेगा कि कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, कांच का बर्तन ज़्यादा है, ये दो डिस्की में बहुत शौक से खरीदी थी। ये दो डिस्की 3 डिस्की था, ये था, ये बड़ा, ये छोटा, इससे भी एक छोटा था। छोटा वाला क्या पता क्या हुआ, नहीं पता क्या हो गया, लेकिन दो ही डिस्की है मेरे पास। देखने में लग रहा था कि कम बर्तन है, लेकिन जब निकालती हूँ तो बहुत सारा बर्तन निकलता है। देखो कितना सारा बर्तन हो गया है यहाँ पे, मैं आप सबको बैक कैमरा पर दिखाऊंगी कितना सारा बर्तन हो गया है। ऐसे सजा हुआ लगता नहीं कि बर्तन है। ऊपर में झाड़ू दे दूंगी पहले अच्छे से, पहले ऊपर में अच्छे से झाड़ू दे दूंगी। बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो मैं सारा बर्तन को नीचे रख दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर का स्लब अच्छे से साबुन से अच्छे से घस लूंगी यहाँ पे। सूती के पापा आ गए, मैं बच्चा लोग संभालो, बच्चा लोग के साथ। और मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ, साफ नहीं करूंगी तो नहीं होगा ना। बाबू बोलो, ওখানে একটা গাম ই আছে পোষনা গাছ, এটা শোনো, ওই তো পোষনা গাছ, এটা দাও, এটা দাও, একটা লাল রঙের ওখানে ওটা দাও তো, এটা দিন উঠি, এটা দাও, লাল দাও, লাল 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 নেই, হ্যাঁ লালটা কোথায় গেল তাহলে, ওখানে আছে। वो बच्चा लोग को संभाल रही है, यहाँ मैं बर्तन उनको संभाल रही हूँ। मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि धूला धूला हो गया ना बर्तन, सब अच्छा नहीं लग रहा है। अपना घर अपने ही साफ करना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा काम वाली मासी थी तो अभी काम छोड़ दी, तभी मेरे ऊपर सब चाप पड़ गया है, तो मुझे सब अकेले ही अभी संभालना पड़ रहेगा।
তাহলে বন্ধ করে দিবে अच्छे से पोछा लगा दी मैं देखो नीचे में भी लगा देती हूँ पूछ ली तो अपने सारा बर्तन को धो धो के जो जहाँ था वहीं सजा दूंगी ज्यादा बर्तन गंदा नहीं है खाली धूला धूला हो गया है तो जो जहाँ था मैं उसको वहीं सजा दूंगी तो फिर से जा जो जहाँ का बर्तन वहाँ से जा तो मैं पूरा किचन साफ करके फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ क्योंकि ये साफ करते करते बहुत समय लग जाएगा उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। रात का बज गया है 12:10 हो गया है तो अभी मेरा नीचे का दोनों स्लब में अभी साफ़ा की हूँ और जो आधा है वो कल करूँगी तो देखो मैं कितने अच्छे से सारा बर्तन मांज धो के अच्छे से साफ कर ली हूँ देखो देखो कितना अच्छा से मैं किचन साफ की हूँ सब अच्छे से सजा भी ली हूँ और ये देखो नीचे वाला कितना गंदा था ना देखो कितना अच्छे से साफ कर ली हूँ देखो सब साफ हो गया है यहाँ पे लाइट ये देखो नीचे का स्लैब अच्छा से साफ हो गया कल रात को मैं ये देखो ये वाला साफ करूँगी ये किचन इस स्लैब तीनों स्लैब को मैं कल साफ करूँगी और ये जितना डब्बा है सबको मैं मांजूँगी कल और उसके बाद वाला दिन पूरा टाइल्स में साफ करूँगी तो अभी बहुत रात हो गया है नीचे में पूरा बिखरा है तो मैं इसे अभी पोछ लूँगी अच्छे से पोछा अच्छा मार के उसके बाद मैं जाऊंगी सोने के लिए क्योंकि छोटा बाबू उठ जा रहा है ये सब कचरा है ये सब फेंक दूंगी मैं करते करते रात का 12:10 हो गया है और मैं दो ही स्लब साफ की हूँ और कल रात को मैं साफ करूंगी ये स्लब क्योंकि छोटा बाबू रहता है उसको छोड़ के मैं उसको कुछ काम नहीं कर सकती हूँ कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा रोता है थोड़ा सा खाना बनाती हूँ तो इतना रोता है कि बार बार उसको पकड़ना ही पड़ता है उसको लेके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ श्रुति रहती है तो श्रुति पकड़ती है तब मैं आराम से कुछ कर सकती हूँ तो आज मैं नीचे वाला स्लैब साफ की हूँ कल ये साफ करूँगी उसके बाद वाला दिन मैं टाइल्स साफा करूँगी तो एक एक दिन करके करूँगी तो पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा मेरा किचन तो अभी के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट कल सुबह न्यू ब्लॉग के साथ आप सबसे मिले।